तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्थ फ्री स्टॉक जिसका नाम है BCL Enterprises। 2.56 रुपए का अभी इसका प्राइस ट्रेड हो रहा है। लेटेस्ट न्यूज की बात करेंगे, क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स की बात करेंगे, तफसील से एनालिसिस करने वाले हैं शेयर के बारे में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने, अभी हम डायरेक्ट चलते हैं BCL Enterprises की लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, यदि बात करें VCL Enterprises की तो VCL Enterprises यहाँ पे 1988 से वर्क कर रहा है। एंड यदि बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी यहाँ पे जिस बिजनेस में एंगेज्ड है वो है NBFC। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज करती है, पर्सनल लोन एंड यही लोन्स का यहाँ पे काम होने वाला है। साथ साथ यदि हम डायरेक्ट क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट के ऊपर चलें तो बेहतरीन इसके क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट रहने वाले, क्योंकि रिजल्ट में यहाँ पे जरूर सेल्स में कमी आई है, लेकिन यदि आप नेट प्रॉफिट देखें तो लंबे समय से नेट प्रॉफिट यहां पर पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। अभी यदि क्वार्टर फोर्थ में सेल्स देखें तो 1,78,00,000 की सेल्स देखने को मिली है, जिसके साथ इन्होंने खर्चे भी बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। एंड साथ साथ अभी हम डायरेक्ट यदि नेट प्रॉफिट पे चलें तो इस समय जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी को 1,30,00,000 का शुद्ध लाभ हुआ है। शुद्ध मतलब नेट प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला है, जो यहां पर क्वार्टर तीन के रिजल्ट में ओनली 81,00,000 का लॉसेस था, 81,00,000 के लॉसेस थे कंपनी को क्वार्टर तीन के रिजल्ट में। यदि क्वार्टर फोर में देखें तो कंपनी को यहां पर बहुत प्रॉफिट जनरेट होने को दिखा है। साथ साथ यदि आप क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर 7,00,00,000 का प्रॉफिट था। तो कंपनी यहां पर काफी बार यहां पर प्रॉफिट में रह चुकी है। एंड शेयर का प्राइस एक अट्रैक्टिव प्राइस इस समय निकल के आ रहा है। साथ साथ यदि आप ईपीएस इस समय देखें तो इस समय जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है वो 1.11 रुपए पर शेयर अर्निंग पे, पर अर्निंग एक शेयर पे जो अर्निंग है वो 1.11 रुपए की इस समय चल रही है। साथ साथ यदि आप इस कंपनी के प्रॉस देखें तो बहुत सारे प्रॉस हैं, चाहे वो कंपनी के ऊपर रिड्यूस डेप्थ या फिर ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री होने का भी वादा यहाँ पे करती है। एंड बुक वैल्यू से ओनली 0.18 times ही ट्रेड हो रहा है, जो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बता रहा है। एंड साथ में यदि आप CAGR देखें तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का CAGR 141% के अराउंड से बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ROE भी बहुत अच्छा चल रहा है, लास्ट 3 ईयर से 41.18 का ROE इसका चल रहा है। साथ साथ यदि आप और भी फंडामेंटल चेक करें तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है ये जरूर दिखाना चाहूंगा, थोड़ी सा ये यहां पे कौन से, क्योंकि कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ओनली 30,00,000 के भी नीचे का है। तो थोड़ी सी यहां पे मतलब आप बोल सकते हैं नेगेटिविटी है। बकाया स्टॉक प्राइस यदि आप देखें तो 10 के नीचे है, जो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बना के दे रहा है यहां पे। एंड यदि ROCE की बात करें तो ROCE 93.7% का समय चल रहा है। ROE की बात करें बेहतरीन आउट परफॉर्मिंग ROCE एंड ROE इस शेयर के चल रहे हैं। करंट प्राइस 2.56 रुपए का रहने वाला है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 14 रुपए की है। 14 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर इस समय आपको ओनली 2.56 रुपए पे ट्रेड होता हुआ मिल रहा है। बामन बीक हाई की बात करें तो बामन बीक हाई इसका 5.38 रुपए है, मतलब एक साल में इसने 5.38 रुपए का हाई बनाया। वही यदि लो की बात करें तो ओनली 34 पैसे के साथ अपना लो बनाया हुआ है, फेस वैल्यू बन की रहने वाली है। तो इस समय काफ़ी अच्छा शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एंड एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ, यदि यहाँ पर बढ़त देखें तो बहुत अच्छी तेजी थी, देन फिर उसके बाद अभी गिरावट होने होते हुए देखी गई है। साथ साथ यदि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो शेयर का जो प्राइस था वो काफ़ी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ओनली एंड ओनली यहाँ पर जो चलता था वो मैं आपको यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूंगा, 41 पैसे का शेयर का प्राइस यहां पर ट्रेड होता था। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छी बढ़त आई, जो यहां पर जनवरी आप बोले जनवरी 2022 स्टार्टिंग में भी यहां पर एक जो बढ़त देखने को मिली वो यहां पर बेहतरीन, क्योंकि यहां पर 1 रुपए से नीचे वाला शेयर डायरेक्ट यहां पर जाने को दिखा था, जो इसकी यहां पर हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिली थी वो 5 रुपए के ऊपर ही थी। वो मैंने आपको यहां पर पहले बता दी, 5 रुपए एंड कुछ पैसे यहां पर देखने को हाई मिला था 5.13 रुपए। तो आप समझ पा रहे हो 1 रुपए के नीचे रहने वाला शेयर यहां पे जनवरी से अप्रैल में ही 5 गुना बढ़ जाता है। मतलब आपकी यहां पे जो इनकम है, आपकी जो यहां पे इन्वेस्टमेंट है, उसको लगभग लगभग 5 times से भी ज्यादा कर देता है। तो ऐसा स्टॉक यहां पे रहने वाला है, हाई वोलेटाइल तो है ही। देन फिर उसके बाद मार्केट में काफी बड़ा यहां पे बियरिश फेज चला, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे गिरावट भी बहुत तेजी से रही। लेकिन अभी यदि देखें तो फिर से वी-शेप रिकवरी के मोड में ये शेयर यहां से देखने को मिल रहा है। उसी के साथ यदि इसके कॉन्स की भी एक बार बात करें तो 2 इसके कॉन्स है। साथ साथ ये डिविडेंड थोड़ा कम देती है, डिविडेंड यहां पे नहीं देती है। बहुत सारे यहां पे जो भी पेनी स्टॉक है उनके पास ये कॉन्स जरूर निकल के आता है कि वो डिविडेंड पे आउट नहीं करती हैं। साथ साथ यदि प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 3.15% बहुत छोटी सी प्रमोटर होल्डिंग यहां पे सामने निकल के आती है। उसके साथ यदि हम ईयरली बेसिस रिजल्ट्स की बात करें, जो ईयरली बेसिस रिजल्ट्स होते हैं मार्च 2022, यदि पूरे ईयर में इसकी सेल्स देखें तो 11,00,000 से ज्यादा की सेल्स इस समय, 11,00,000 से ज्यादा का शेयर कैपिटल रहने वाला है, जो यहां पे लास्ट ईयर 5,00,000 के ऊपर रहा करता था। तो यहां पे शेयर कैपिटल लगभग लगभग डबल होने को दिखाया, जो
बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बना के दे रहा है। साथ साथ कंपनी के रिजर्व्स भी बहुत तेजी से बढ़े, यहाँ पर रिजर्व्स अभी 3 times हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 1,73,00,000 के रिजर्व्स थे, देन अभी आप यदि समय देखें तो रिजर्व्स 4,63,00,000 के हो चुके हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर फिक्स एसेट देखें तो अभी इस समय कोई भी फिक्स एसेट नहीं है, लंबे समय से नहीं है। साथ साथ अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इसमें ओनली 3.15% होल्डिंग है, जो बहुत कम होती है, वो यहाँ पर निकल के आ रही है प्रमोटर्स के पास है। अप्रैल का हमारे पास लेटेस्ट डाटा है अप्रैल 2022 का, एंड साथ साथ वही यदि पब्लिक की होल्डिंग देखें तो हाईएस्ट 96% से ऊपर, तो थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिविटी बनके हुए जरूर नजर आती है। लेकिन यदि मैं आपको एक बार पूरे ईयरली बेसिस रिजल्ट्स दिखाऊं तो इसने पूरे ईयर में मार्च 2022 वाले ईयर में इसने जो अपनी सेल्स की है वो 38 crore है। यदि आप लास्ट ईयर की सेल्स से कंपेरिजन करें तो लगभग यहाँ पर 5 times मतलब 5 गुने से भी ज्यादा निकल के आ रही है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सेल्स देखने को मिली इस साल पूरे ईयर, बहुत अच्छी कंपनी चलते हुए देखने को मिली। वही यदि एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी ने खर्चे भी बढ़ाए हैं, 4 crore से खर्चे बढ़ाकर डायरेक्ट 27 crore के कर दिए, जिस कारण से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अभी हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 2 crore से 8 crore होने को दिखा है। लास्ट ईयर 2 crore का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था, देन अभी आप इस समय देखें तो 8 crore का प्रॉफिट इस ईयर जनरेट करने को दिखा है, लगभग प्रॉफिट यहाँ पर 4 times हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट करते ही करते हैं। साथ साथ आप ये भी बताइए आपको शेयर कैसा लगा है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।